हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ. डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र राय, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर. डियर स्टूडेंट, माय पर्पज इज हियर टू प्रेजेंट दिस वीडियो इज टू प्रोवाइड द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर इन योर माइंड. इन द प्रीवियस वीडियोज so many explanations was done, so many clarifications, elaborations were done, and today I have reached on the point of the exercises that is given in your side book, and that exercises are of so many types like multiple question answers, short answers, thoughts, and so many other things which are included in the question answer exercise. Dear student, let us start. First of all, MCQ section, which if you learn these MCQ sections, then the missing things will be recalled in your mind. So always keep this thing in your mind, that if you are missing anything during the explanation, during the class, during the looking video, then in this exercise that thing, that missing thing will be cleared in your mind. So let us start MCQ first of all, and the questions that indicating here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dear student, question number 1, which of the following tissue has dead cells? And in this question आप जानते हैं लिविंग सेल्स भी होती हैं, डेड सेल्स भी होती हैं. तो लिविंग सेल्स पैरेन्काइमा, लिविंग सेल्स कोलेन्काइमा, लिविंग सेल्स एपिथेलियल टिश्यू आर लिविंग सेल्स. अब बचता क्या है? द रिमेनिंग थिंग दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा, एंड आंसर विल बी स्क्लेरेन्काइमा, आंसर नंबर बी. सो 1B इज द करेक्ट आंसर, 1B. क्वेश्चन नंबर 2, गिर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू द, गिर्थ मतलब पेड़ की मोटाई. तो आप जानते हैं एपिकल से हाइट बढ़ती है, इंटरकैलरी से ब्रांचिंग होती है, और पेड़ जो होता है मोटा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू. सो आंसर विल बी बी. कम टू थर्ड वन, अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट इन विच हिज टू लॉन्ग बोन्स of his hand and were dislocated. Which among the following may be the possible reason? एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट होता है और दो लंबी हड्डियां जो है डिसलोकेट हो जाती है उसके हाथ की. तो क्या हो सकता है? टेंडन ब्रेक, ब्रेक ऑफ द स्केलेटल मसल, एरियोलर टिश्यू ब्रेक, एंड लिगामेंट ब्रेक. तो माय डियर स्टूडेंट, हड्डियां डिसलोकेट कैसी होंगी? हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम क्या कौन सा करता है? लिगामेंट करता है. सो इफ लिगामेंट ब्रेक्स, देन द बोन गेट डिसलोकेटेड. अगर ये ब्रेक हुआ लिगामेंट, तो हड्डी जो है डिसलोकेट हो जाएगी. सो आंसर विल बी सी, 3C. कम टू 4, व्हाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड, लेग एक्सेट्रा, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव ऑल द बोन्स. सो आंसर विल बी डी, 4D. कम टू 5, विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरली. माय डियर स्टूडेंट, टू एक्शंस आर देयर इन अवर बॉडी, वन इज वॉलंटरी एंड अदर इज इनवॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स इफ यू वॉन्ट टू रन यू कैन रन. इनवॉलंटरी मीन्स the organs inside the body, whether there is a heart or lung, and the function of that organ is involuntary action, perform involuntary action. You cannot control the function of the heart, you cannot control the function of the lungs, so that is the involuntary action. And isko samajhte hue aapka answer jo hoga, question is which muscles act involuntarily. Options are striated muscles, smooth muscles, cardiac muscles, skeletal muscles. Two options are correct, second and third. Second is smooth muscle, third is cardiac muscle. Means
smooth muscles are found in the different organs of the body, and cardiac muscles constitute the structure of the heart. So these two muscles are controlled involuntarily or by autonomous system of the brain. Okay, come to next. So this answer will be fifth, that is B, 5B. Come to next, that is which is not a function of epidermis. Epidermis means the outermost covering of the body, जिसको ऊपर का चमड़ा बोलते हैं. ऑप्शंस आर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, कंडक्शन ऑफ वाटर. तो एपिडर्मिस का जो काम नहीं है वो कंडक्शन ऑफ वाटर है. वाटर कंडक्ट नहीं करता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस कैन नॉट एब्जॉर्ब द वाटर एंड कैन नॉट कंडक्ट इट इन टू द बॉडी. सो आंसर विल बी सी, 6C. Then come to question number 7. Select the incorrect sentence, and the incorrect sentence which is given in the question is tendons are non-fibrous tissue and fragile. Tendons are non-fibrous tissue and fragile. Tendon means that is the connecting myofibrils which connect the bone to the muscle. So these are the tendons. And इसमें लिखा है क्या, tendons आर नॉन फाइबरस. दिस इज इन करेक्ट सेंटेंस. सो आंसर विल बी सी, 7C. कम टू 8. कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, आंसर इज किडनी. इट इज फाउंड इन नोज, इट इज फाउंड इन ईयर, इट इज फाउंड इन लैरिंग्स, बट इट इज नॉट फाउंड इन किडनी. सो आंसर विल बी सी, 8C. डियर स्टूडेंट, इफ यू चेक रीचेक योर आंसर, यू कैन पुट इट टिक. And come to next, that is the 9. Question 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, question number 9, bone matrix is rich in calcium and phosphorus. Answer B, calcium and phosphorus. Then, question number 10, contractile protein are found in muscle. 10 contractile proteins. Contractile proteins means myofibrils which is able to contract or relax. So contractile proteins are found in muscles. 10C. Then 11, nervous tissue is not found in tendons. Answer will be tendon. Nervous tissue is found in brain, spinal cord and nerves, but not in tendons. 11C. Come to question number 12. Nerve cell does not contain, again same question, nerve cell does not contain axon, nerve ending, dendrite and tendon. So tendon will be, again the question, this answer will be C. Question number 13, the muscular tissue which function throughout the life continuously without fatigue is cardiac muscle. Answer will be B, cardiac muscle. Question number 14, which of the following cell is found in the cartilaginous tissue of the body? As I have told you yesterday in the previous video, that cartilage is found, cartilage, the unit of the cartilage is chondrocytes. So again the answer will be the chondrocyte, not mastoid, not osteocyte, not basophil. That is the chondrocyte. 14D. Chondrocytes. Now come to the 15. The dead element present in the phloem is phloem fiber. Sieve tube is living cell. Phloem parenchyma is the living cell. Companion cell is the, cells are the living cells, but phloem fiber are dead cells. 15B. And 16 is
16, question number 16, that is the which of the following does not lose their nucleus at maturity? Companion cells, red blood cells, vessels, sieve tube cells. My dear student, in these four answers, red blood cells do not have the nucleus. Then vessels don't have the nucleus. Sieve tube cells don't have the nucleus. So only companion cells, they maintain their nucleus after maturity also. And answer will be A, 16A. Let us check, have a check on these questions B, C, 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 B, D, and my dear student, come to some other questions in this video itself, and these questions start from the question number 17 to 24. Come to 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. And this question in desert plants, rate of the water loss get reduced due to the presence of cuticle. Desert plant में hard cuticle होता है उसके epidermis के ऊपर, जिससे कि water loss नहीं होता है. So 17A, 18, a long tree has several branches. The tissue that helps in the sideways conduction of water in the branches is xylem vessels. So xylem vessels transport the water or conduct the water from lower to upper direction. So that is the xylem vessel. Answer D, 18D. Come to 19, if the tip of the sugarcane plant is removed from the field, even then it keep on growing in length. It is due to the presence of intercalary meristematic. So कहने का मतलब यह है कि अगर टिप किसी प्लांट का टिप कट कर दिया जाता है तो डेफिनेटली एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू दैट विल बी रिमूव, एंड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू द प्लांट ग्रोथ इन हाइट विल बी चेक्ड, विच रिजल्ट्स सो मेनी ब्रांचिंग विल बी देयर फ्रॉम देयर इंटर कैलरी पोजिशन, इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक पोजिशन. सो आंसर विल बी 19D. Come to next, dear student, 20, nail is inserted in the trunk of a tree. मतलब एक वृक्ष के में अगर आप एक जगह कील पुश कर देते हैं उसके अंदर जमीन से 1 मीटर के लेवल पे, तो आपको ये बताना है कि 3 साल के बाद वो नेल कहाँ जाएगी. आंसर विल बी मूव डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, रिमेन एट द सेम पोजिशन, या मूव साइड में या साइड में जाएगी, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ हमेशा होती रहती है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी. नीचे तो आएगी नहीं, ऊपर जा सकती है, लेटरल हो सकती है. नो, द आंसर विल बी द इट रिमेन एट द सेम पोजिशन, इट रिमेन एट द सेम पोजिशन, एंड आंसर विल बी सी, 20C. 21, पैरेन्काइमा सेल्स आर, आंसर इज रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड. पैरेन्काइमा आर थिन वॉल्ड, अनस्पेसिफाइड, सो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द पोलेनकाइमा. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पौधा झूमता है हवा के साथ, दैट इज ड्यू टू द पोलेनकाइमा. सो 22, 22, दैट इज ए, 22A. एंड 23,
Cork cells are made impervious to water and gases by the presence of suberin. Suberin होता है कार्क सेल में, जिससे कि गैसेस और वाटर एक्सचेंज होता है. 23C 24. सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. टेरेस्ट्रियल में जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, वाटर एक्वाटिक प्लांट होगा तो कोई जरूरत नहीं है कंडक्शन का, कहीं से भी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा. बट टेरेस्ट्रियल लैंड में कंडक्टिंग वेसल्स की जरूरत होती है, कंडक्टिंग टिश्यू की. सो 24B. नाउ लेट अस चेक अगेन. सो ऑल दी आंसर इज करेक्ट नाउ. ओके एंड डियर स्टूडेंट, कम टू सम मोर एक्सरसाइजेस दैट इज गिवन इन योर बुक. दैट इज फ्रॉम 25 onward. So 25 26 27 28 29 30 31 32 33, these are some more questions and the answers are 25 C, 26 27 A and 28. That is, the intestine absorb the digested food material. What type of the epithelial cells are responsible for that? So options are stratified squamous, columnar epithelium, spindle fiber and cuboidal epithelium. So answer will be columnar epithelium. 28 B. Come to 29. Meristematic tissue in plants are localized and dividing cells. C. 29 C. 30. Fats are stored in human body as adipose tissue. Fat जो होता है वो adipose tissue के रूप में जगह जगह deposit होता है and it carried out by the lymph itself. So B. 30 B. Now come to next, that is 31. And while discussing these three questions more, this video will be completed. Voluntary muscles are found in iris of the eye, elementary canal, limbs, bronchi of lungs. So answer will be the 31. Answer will be the limb. Voluntary muscles are found in the limb. Haath mein aur pair mein voluntary muscle paayi jaati hai. So answer will be B, 31 B. And 32. Which of the following helps in repair of tissue and fill up the space inside the organ? That is areolar tissue. Areolar tissue, as I have told you, that is the fluid tissue. And it occupy the internal spaces in between the tissue and organ. So answer is C. And 33, this is the last one. The water conducting tissue generally present in gymnosperm is tracheids. C. 33 C. Dear student, let us check it. And if you check it, you will find the answer, they will be correct. And you will get the PDF also of this exercise. So you have to watch this video so that your exercises will be completed. My dear student, in the next video, you will be able to see the exercises that is based on the filling the blanks, true, false, match the column and other questions, thoughts, diagram based, etc. So for today, this video, I hope this video will be able to provide you the sufficient knowledge, clarity in your mind, and I hope that you all learn this video. You all will see this video and you all will learn the important fact and figures that is present in this video.
थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।